स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पे ऑटो सम और इसके अंदर दिए गए जो फंक्शंस हैं उनको हम यूज करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, इस रेड बटन को दबा के और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं कि ऑटो सम, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं और उनके यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये मार्क्स मैंने यहाँ पे कर लिए सिलेक्ट और मैं करूँगा डायरेक्टली ऑटो सम के ऊपर क्लिक। तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे उसका सम आ गया। तो ऐसे ही मतलब हम ये सम का जो फंक्शन है ऑटो सम का, उसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसको ज़रूरी नहीं कि आप इस तरफ ही मतलब रो वाइज ही इसको सिलेक्ट करोगे, आप इसको नीचे की तरफ ही मतलब सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इनके मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे प्लस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा सारी रो को, सारे कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ऑटो सम के ऊपर क्लिक करूँगा। आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया। तो ये हमारे पास आ रहा है इसका सम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है जिसका नाम क्या है, एवरेज। तो एवरेज भी हम मतलब यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कैसे निकलती है। तो जैसे मैं ये सारे नंबर्स हैं उनको मतलब मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब पंजाबी के मार्क्स में मतलब एवरेज कितनी है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज। तो मैं यहाँ पे ऊपर क्लिक करूँगा, देन एवरेज के ऊपर क्लिक करूँगा। आप देखोगे कि मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास यहाँ पे कितने आ गए, 65.2 हमारी जो वो एवरेज आ चुकी है। तो ऐसे हम इन फंक्शन को, सभी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें अगर काउंट करना होगा तो हम टोटल ये कितने मतलब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिंदी का मतलब एग्ज़ाम दिया था, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पे और काउंट नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि हमारे पास ये टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए यहाँ पे, 10। तो ऐसे हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं वो कौन सी है, यहाँ पे मैक्स। तो अगर हमें यहाँ पे निकालने हो कि मतलब जो स्टूडेंट है मतलब इंग्लिश में मतलब किसके जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो हम इनको मतलब सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर मैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 99 है, तो 99 वो जहाँ पे शो कर रहा है। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मिनिमम मतलब सबसे कम मार्क्स निकालने हो, देखने होंगे किसके मतलब मिनिमम मार्क्स हैं यहाँ पे, तो मिनिमम के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये फंक्शंस हैं इनको हम बहुत ही ईजिली से मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो इन फंक्शन को यूज़ करके अपने जो हार्डवर्क है उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जिसका नाम क्या है, फिल। तो फिल ऑप्शन देखते हैं हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, उससे पहले मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ऑटो सम। तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पे इन नंबर्स का सम आ गया यहाँ पे 619। तो अभी यही रिजल्ट मैं कहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे भी जाता हूँ और यहाँ पे भी जाता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, फिल के ऊपर क्लिक करना है, राइट साइड को मुझे फैलाना है इसको मतलब। तो इसे मैं क्या करूँगा, राइट के ऊपर क्लिक करूँगा। आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे दो कॉलम्स में मेरे पास सम आ गया, ठीक है। तो वो हम कैसे किया, हमने फिल ऑप्शन के साथ। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट डाउन अप मतलब जैसे ही हमको मतलब हमारी रिक्वायरमेंट है वैसे ही हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो फिल ऑप्शन को हम डायरेक्टली भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लिया कि हमारे पास जो नंबर्स हैं कुछ उनका सम यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाले बटन को क्लिक करके हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे सम आ जाता था। तो वही काम हम कहाँ से कर सकते हैं, फिल ऑप्शन के ऊपर जाके, राइट लेफ्ट अप डाउन मतलब ऊपर, मतलब जैसे हम क्या कर सकते हैं इसको क्लिक करके, जैसे हमारे पास यहाँ पे सम आया था तो हम इसे नीचे मतलब खींचते थे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे नीचे, तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आता था यहाँ पे आ जाता था। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला तो लगा ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिल के ऊपर जाएंगे, डाउन की तरफ जाएंगे, तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे सम आ चुका है। तो ऐसे हम इस इन चारों ऑप्शंस को मतलब लेफ्ट राइट टॉप डाउन में यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है जिसका नाम क्या है, सीरीज़। तो सीरीज़ को ओपन करते हैं, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, हम वन बाई वन इन सारी ऑप्शंस को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज़ होती क्या है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 2, ठीक है, उसके बाद नंबर आ गया मेरे पास 4, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया। तो ऐसे मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सीरीज़ बन रही है, मतलब यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 में 2 मैंने प्लस कर दिया, 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर अगला नंबर क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 10, फिर 12, 14, 16, ऐसे मतलब एक सीरीज़ बनती जाएगी मेरे पास। तो ऐसे ही सीरीज़ हम एक्सेल के साथ मतलब शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं, जिसका हम अभी यूज़ करके बताएंगे। तो सीरीज़ को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले 2 नंबर लिख दिया, 2 को मैंने कर लिया यहाँ पे सिलेक्ट, फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल के ऊपर, फिर सीरीज़ के ऊपर जाऊँगा। अभी मुझे जो सीरीज़ है वो मतलब कॉलम वाइज चाहिए, मतलब नीचे की तरफ चाहिए, तो मैं करूँगा यहाँ पे कॉलम के ऊपर सेलेक्ट। आगे हमारे पास वाली जे वाली ऑप्शंस आती हैं जिसका नाम क्या है, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। तो दोस्तों स्टेप वैल्यू होती है हमारे पास कि हम
कितना नंबर प्लस करना चाहते हैं इस नंबर में ताकि हमारा अगला नंबर आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट पहले से हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 1, मतलब इस नंबर में एक नंबर प्लस होगा और हमारे पास क्या आ जाएगी, अगली वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अगली वाली वैल्यू क्या आएगी, एक नंबर को प्लस करने के बाद यहाँ पे 3, फिर एक नंबर प्लस होगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 4, फिर एक नंबर प्लस होगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 5। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो 2 लिखा है, अगली वाली वैल्यू मेरे पास क्या आनी चाहिए, 4, फिर 6 आनी चाहिए, फिर 8, मतलब दो दो नंबर बढ़ के आए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1 को हटा के यहाँ पे लिख दूंगा 2। ठीक है, मतलब अभी 2 में क्या होंगे, 2 प्लस होंगे, ऐड होंगे, जमा होंगे, और ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 4। तो अगली वैल्यू यहाँ पे कौन सी आएगी हमारे पास, 4। फिर 4 में 2 ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आएगा, 6। 6 में 2 ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आएगा 8। तो ऐसे हमारा जो नंबर है, सीक्वेंस है, वो बनता जाएगा, ऐसे हमारी सीरीज बनती जाएगी। तो अब ये सीरीज जो है मेरे पास, मैं कहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, मतलब 20 तक लेके जाना चाहता हूँ, 10 तक लेके जाना चाहता हूँ, या 100 तक लेके जाना चाहता हूँ, तो वही नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। मान लो कि मैं इस नंबर को लेके जाना चाहता हूँ 16 तक। ठीक है, मतलब दो दो मेरे पास ऐड होते जाएंगे नंबर, और ये नंबर कहाँ जा, मतलब जो सीरीज होगी हमारी वो कहाँ तक जाके ख़त्म होगी, तो वो कहाँ पे ख़त्म होगी, यहाँ पे स्टॉप वैल्यू आपको देनी होगी 16। तो मैं जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, आप देखोगे कि मेरे पास दो दो नंबर्स ऐड हो गए, 2 में 2 आ गया, 4, 6, 8, 10, और ये सीरीज कहाँ तक जाके ख़त्म हुई है, 16 तक। अगली ऑप्शन में आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे हमने ये कॉलम वाइज किया था उसी तरीके हम रो वाइज भी ये कर सकते हैं। तो रो के साथ अभी मैं 2 नंबर को ऐड नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं नंबर करूंगा ऐड यहाँ पे 3, मतलब इसमें 3 जमा होंगे और बाद में हमारा जो नंबर होगा यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, 5 नंबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही 5 में फिर 3 नंबर ऐड हो गए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऐसे ही करके मैं ये सीरीज कहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, 20 तक, 20 तक लेके जाना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देखोगे कि हमने यहाँ पे रो को सिलेक्ट किया है, तो अभी ये वैल्यूज मतलब इस तरफ आएंगी, ना कि इस तरफ। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 2 आ गया, फिर उसमें 3 उन्होंने प्लस कर दिया, 5, फिर 8, ऐसे करके हमारे पास कहाँ तक वैल्यूज आ गई, 20 तक आ गई। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ पे हमारी ऑप्शन जो सिलेक्ट थी वो लीनियर थी, अगर हम यहाँ पे रो को ही सिलेक्ट करें, लेकिन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लें इसको ग्रोथ को, तो ग्रोथ के अंदर हमारा जो सीक्वेंस होगा सीरीज का वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो वो कैसे चेंज होता है, तो जब भी हमने यहाँ पे लीनियर में किया था तो ये वाला नंबर पहले वाले नंबर में किया जाता था प्लस, जमा किया जाता था, ऐड किया जाता था, और जब भी मैं यहाँ पे ग्रोथ के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो नंबर मैं यहाँ पे डालूंगा वो उससे क्या होगा, गुना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले हम प्लस करते थे, अभी क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अभी मैं जैसे यहाँ पे एक नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 2। ठीक है, 2 क्यों मैंने कर लिया सिलेक्ट यहाँ पे, फिर फिल के ऊपर जाऊँगा, सीरीज के ऊपर जाऊँगा। अभी मैं यहाँ पे एक कॉलम को, मतलब मैं नीचे को वैल्यूज चाहता हूँ, जो मेरी सीरीज है वो नीचे को आनी चाहिए, कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं लीनियर को सिलेक्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ग्रोथ को। तो मैं अभी चाहता हूँ कि मतलब जो भी मेरा नंबर हो, ठीक है, अगला वाला मेरा नंबर 2 से मतलब गुना होके आना चाहिए, मल्टीप्लाई होके आना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर कहाँ तक जाने चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास नंबर है वो 20 तक जाने चाहिए, 20 तक। ठीक है, तो अभी मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया है, अभी आप देखोगे कि जो रिजल्ट्स होंगे वो मतलब टोटली डिफरेंट आएंगे। जैसे मैंने 2 वहाँ पे लिखा, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 4, 4 को 2 के साथ करें 8, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 16। तो 16 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे 32, लेकिन मैंने क्या सिलेक्ट किया था वहाँ पे 20, तो मतलब 20 के नीचे नीचे वाली जो वैल्यूज होंगी वही वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आएंगे। तो ऐसे हम इस सीरीज के अंदर ग्रोथ वाले फंक्शन को यूज कर सकते हैं, इसको आप कॉलम वाइज भी यूज कर सकते हो और इसे आप ऐसे रो वाइज भी यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको एक इसका इंटरेस्टिंग फीचर बताने वाला हूँ जिसको सीरीज के अंदर ही आता है, उसका नाम क्या है यहाँ पे ट्रेंड, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया यहाँ पे 2 और मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ अभी 100। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना होगा, जिन दोनों नंबर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, अभी आपको जाना है फिल के ऊपर, सीरीज के ऊपर जाना है, ट्रेंड के ऊपर जाना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जैसे ही मैं ओके के ऊपर प्रेस करूंगा तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे बीच वाले जितने भी नंबर्स है अपने आप को बराबर बराबर बांट दिया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया, फिर मैं 2 में कितने प्लस करूँ कि मेरे पास 16 आ जाए। ठीक है, तो 14 प्लस करूंगा, मतलब 14 जमा करूंगा, 2 और 14 मेरे पास हो गए 16, 16 में मैं फिर से 14 अगर प्लस करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 30,
मतलब 30 नंबर आ गया, 30 में अगर मैं 14 प्लस करूं तो 44 आ गया, ऐसे नंबर मतलब मैं प्लस करता जा रहा हूं और ये नंबर्स मतलब अपने आप बराबर में बढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रेंड वाले फंक्शन को बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग वे से यूज कर सकते हैं। तो अगली ऑप्शन है हमारे पास जहाँ पे डेट की, तो जहाँ पे मैं आज की जो डेट है उसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है 2020 है हमारे पास यहाँ पे। तो इस कॉलम को मैंने, इस सेल को मैंने क्या कर लिया, जहाँ से सिलेक्ट कर लिया, फिल के ऊपर जाओ, सीरीज के ऊपर जाओ, और यहाँ पे आप देखोगे कि अपने आप उसने डेट वाली जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो मुझे डेट्स चाहिए नीचे की तरफ, तो मैं करूंगा जहाँ पे कॉलम के ऊपर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेट को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डेट के यूनिट्स हैं। जैसे ही हमारे पास मतलब कोई भी डेट होगी उसका मतलब कोई ना कोई दिन हो सकता है, वीक डेज हो सकते हैं, मंथ ईयर मतलब हो सकता है, ठीक है। तो हम कौन सी सीरीज उसमें से क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप वीक डेज की बात करो तो हमारे पास वीक डेज कौन से होते हैं, संडे और सैटरडे को आप निकाल दो और बाकी जितने भी हमारे पास दिन बचते हैं उनको हम वीक डेज बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डे के ऊपर क्लिक करके आपको बताऊंगा कि ये कैसे ऑप्शन यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करने होंगे कि आपको कहाँ तक वो डेट वो चाहिए। तो सीरीज के ऊपर क्लिक करने के बाद, डेट और डे के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ओके के ऊपर प्रेस करोगे, आप देखोगे कि आपके पास जो डेट होगी वो यहाँ पे आ चुकी है। इसे हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं कंट्रोल जेड करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करो, इसको नीचे से आपको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास वही जो प्रोसीजर हम यहाँ से कर रहे हैं वो ऐसे भी आप नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको कर सकते हो। तो अगली ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन सी है, आज की डेट के साथ ही मैं उसे यूज करूंगा। यहाँ पे 2020 मैंने यहाँ पे लिख लिया, इस कॉलम को सिलेक्ट किया, इसे नीचे तक यहाँ पे मैंने कर दिया सिलेक्ट, और फिल के ऊपर जाने के बाद, सीरीज के ऊपर जाने के बाद आप देखोगे कि मेरे पास जहाँ पे पहले एक एक डेट थी वो इंक्रीज हो रही थी, जैसे 3, 4, 5, 6 ऐसे। अगर मैं यहाँ पे दो दो बनाना चाहूँ तो मैं दो के ऊपर सिलेक्ट करूंगा, ओके के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देखोगे कि मेरे पास पहले 3, 5, 7 ऐसे करके हम जो सीरीज है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिल सीरीज के ऊपर क्लिक करो। तो अभी हम डेट के अंदर डे को तो हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम डे वीक डेज को यूज करके देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो वीक डेज जैसे मैंने आपको बताया कि सैटरडे और संडे को वो निकाल देगा, बाकी जितने भी दिन होंगे हमारे पास वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वीक डेज को आप सिलेक्ट करो यहाँ पे, देन आप क्या कर सकते हो, ओके के ऊपर प्रेस करो। तो ओके के ऊपर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे 3, 4 तो आ गया, ठीक है। 5 और 6 कहाँ पे गया, वो हमारे वीक डेज थे, इसलिए उसने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे हटा दिया। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे, आप देखोगे कि हमारे पास सैटरडे 5 को आ रहा है, संडे 6 को आ रहा है, ठीक है। तो मंडे उसके बाद हमारा आ रहा है 7 को, तो ऐसे ही उसने क्या किया, 5 और 6 को यहाँ से निकाल दिया और 7 के आगे वाले जो जितने भी दिन थे 5 उनको यहाँ पे उसने सेलेक्ट कर लिया। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, अपनी जो वीक डेज है उनकी एक सीरीज है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट ऑप्शन, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लो आप नीचे वाले कॉलम, सीरीज को सिलेक्ट करो यहाँ पे, वीक डेज के बाद आप यहाँ पे मंथ को चेंज कर सकते हो, मतलब डेट तो आपकी वही रहेगी 3, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे चेंज क्या होगा, मंथ चेंज होगा, जैसे यहाँ पे 9th है और उसके बाद मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो डेट तो वही रही लेकिन ओनली मंथ है जो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, महीना ही जहाँ पे चेंज हो रहा है बाकी सारा वही है। तो ईयर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ओके करूंगा, आप देखोगे कि हमारे पास डेट और मंथ वही सेम ही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे ईयर है वही चेंज हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अगली ऑप्शन देखते हैं हमारे पास जहाँ पे, जिसका नाम क्या है, अक्रॉस शीट। अभी देख रहे हो कि ये हाईलाइट नहीं हो रही, इसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये कैसे सिलेक्ट होगी इसके बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अक्रॉस शीट का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे जैसे शीट्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे शीट्स हैं 14, 15, 16, मतलब ऐसे बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे शीट्स हो सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब जो भी कंटेंट मेरे पास, जो भी डाटा है मेरे पास यहाँ पे, वो ऐसा ही डाटा मेरा सारी शीट्स के ऊपर चला जाए। उस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस वर्कशीट वाली ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपका ये टेबल नहीं बना हो तो Ctrl T प्रेस करके आप ये वाले जो सिलेक्शन है इसको एक टेबल बना सकते हो। जब भी आप टेबल क्रिएट करोगे आपके पास ऐसे आइकन्स आ जाएंगे यहाँ पे, तो मेरा ये बन गया यहाँ पे टेबल। उसके अलावा हमें और कौन सा काम करना पड़ता है यहाँ पे, कि हमें ये सारी शीट्स हैं जितनी भी,
एंड सबको एक साथ सेलेक्ट करना पड़ता है। तो एक साथ हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद मैं शीट नंबर 14 और 15 को मैं सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मेरे पास डेटा है वो कौन सी शीट पे चला जाए, 14 और 15 के ऊपर भी चला जाए। जहाँ पे आप इंसर्ट के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास जो वर्कशीट वाली ऑप्शन है वो आ चुकी है, वापस अनेबल हो चुकी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जितना भी डेटा आप वहाँ पे दूसरी शीट के ऊपर ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, वो सारे डेटा को आप क्या कर ले, यहाँ से सिलेक्ट कर ले। जैसे सारा डेटा ही मैं दूसरी शीट 14 और 15 शीट के ऊपर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो मैंने ये शीट सभी को सिलेक्ट कर लिया था। अभी मैंने ये टेबल को सिलेक्ट कर लिया, फिल के ऊपर जाऊंगा, क्रॉस शीट के ऊपर जाऊंगा। आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रही हैं, ऑल की, कंटेंट की और फॉर्मेट की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंटेंट क्या होता है। कंटेंट मतलब जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आपको जो भी लिखा दिख रहा है वो हमारे पास कंटेंट है। और फॉर्मेट क्या है हमारे पास, इसका जो डिजाइन है, ठीक है, जो हमने कलर दिए हुए हैं यहाँ पे, जहाँ जो भी मतलब हमने डिजाइनिंग की हुई है, ये वो उसका क्या हो गया यहाँ पे फॉर्मेट। अगर हमने कई बार क्या होता है कि हमने यहाँ पे फॉन्ट चेंज किए होते हैं, तो वो मतलब सब कुछ क्या कहाँ किसके अंदर आ जाता है, हमारा फॉर्मेट के अंदर आ जाता है। तो अगर हम ऑल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो कंटेंट है और उसका जो डिजाइन है वो मतलब जो शीट नंबर 14 और 15 के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं ऑल के ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ओके प्रेस करूंगा। आप देखोगे हमारे पास शीट नंबर 14 और 15 दोनों शीट्स के ऊपर हमारा जो डेटा है वो आ चुका है, जो हमारा पहले शीट नंबर 6 के ऊपर था। तो ऐसे ही हम ये फंक्शन अभी परफॉर्म करेंगे शीट नंबर 16 और 17। मैंने कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों शीट्स को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे जो टेबल है उसको सिलेक्ट करूंगा, फिल के ऊपर जाऊंगा, अक्रॉस शीट के ऊपर जाऊंगा। अभी मैं क्या ट्रांसफर करना चाहता हूँ, सिर्फ कंटेंट उसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके के ऊपर प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि शीट नंबर 17 के ऊपर और 16 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे कंटेंट आ गया, उसका डिजाइन कुछ भी नहीं आया हमारे पास यहाँ पे। तो अभी मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे शीट नंबर 18 को, और साथ में कंट्रोल प्रेस करके मैं किसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, शीट नंबर 6 को। ठीक है, तो ये दोनों शीट्स मैंने यहाँ पे कर ली सिलेक्ट। अभी मैं क्या करूंगा, ये सारा फॉर्मेट जो भी है मेरे पास इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, वही ऑप्शन यूज करेंगे। अभी इसके बाद मैं थर्ड ऑप्शन यूज करूंगा यहाँ पे फॉर्मेट की। तो ओके के ऊपर प्रेस करने के बाद आप शीट नंबर 18 के ऊपर देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ उसका फॉर्मेट ही आया, हमारे पास उसका कोई कंटेंट नहीं आया। तो ऐसे हम फिल ऑप्शन को यूज करके ये वाली सारी ऑप्शंस हैं उनको हम बहुत ही इजीली वे से यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बची है जहाँ पे जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का क्या काम होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटा लिखा, तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले सेल के ऊपर सेलेक्ट करूंगा, फिल के ऊपर क्लिक करने के बाद, जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ओके के ऊपर। तो जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे, वो आपका जो डेटा होगा वो एक एक कॉलम में, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में चला जाएगा, लेकिन वो कॉलम वाइज चला जाता है। ठीक है, ऐसे चला जाता है। तो अगर मैं क्या करूँ, कंट्रोल जेड करूँ और जहाँ पे कॉलम की विड्थ थोड़ी यहाँ पे इंक्रीज कर दूँ, तो मतलब ये पहले एक एक शब्द मतलब पूरे पूरे कॉलम के अंदर गया था, तो अभी आप देखोगे कि इसके जो पार्ट होंगे मतलब जो हिस्से होंगे वो पहले से कम होंगे। तो अभी हम जस्टिफाई क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि हमारे पास जो कंटेंट था मतलब वो तीन बॉक्सेस में आ चुका है, जो पहले ज्यादा बॉक्सेस में था। ऐसे ही हम मतलब जो जस्टिफाई जो ऑप्शन है उसे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जहाँ पे ऑप्शन आती है क्लियर की और क्लियर ऑल फॉर्मेट कंटेंट कमेंट हाइपरलिंक, अगर मतलब आपको ये वाली सारी ऑप्शंस मतलब अपनी जो शीट है उसके अंदर से हटानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाली ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से पहले सबसे पहले शीट को, सारी शीट को मैंने कर लिया यहाँ से सिलेक्ट, क्लियर और क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि सारा डेटा मेरा यहाँ से डिलीट हो चुका है। उसके बाद अगर मैं सारी शीट को फिर से सिलेक्ट करूं, क्लियर के अंदर क्लिक करूं, फॉर्मेट के अंदर क्लिक करूं, आप देखोगे कि जितना भी मेरा डिजाइन था वो चला गया। ठीक है, क्लियर के अंदर क्लिक करने के बाद कंटेंट के ऊपर क्लिक करूं तो कंटेंट चला गया। तो उसके बाद हमारे पास अगर ये कमेंट्स और हाइपरलिंक अगर हमने यहाँ पे दिए होंगे कुछ भी, ठीक है, तो वो अगर चीजें होंगी यहाँ पे तो वो भी अपने आप क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।